कहाँ है, जाके खुद ले ले। बेटा तुम्हें उपमा पसंद है ना, इसलिए बनाया है। थैंक यू। और मेरे लिए क्या बनाई हो? जो बनाया है वो खा ले, ये ले। बहुत अच्छा बनाया आंटी। बेटा जरा जल्दी खाओ, तुम्हारे अंकल ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो वो तुम्हें कॉलेज में छोड़ देंगे, ठीक है? तुम आराम से खाओ बेटा, खाने के बाद निकलेंगे, मैं वेट करता हूँ तब तक। आराम से खा लो। हाँ ये था फ्लैशबैक। इनका लाड देखकर तो अब मुझे जलन हो रही है। अब मैं तेरी सिचुएशन समझ सकती हूँ। भला वो हमारे घर में क्यों आएगी? ये देख, जरूर तेरी मम्मी का फोन होगा, पूछेगी कि मेरे बेटे को खाना खिलाया या नहीं। मैं जाकर अभी बात करके आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, खाना खाने आ जाइए। अब जल्दी से बता दे, सच सच बताना, क्या सच में झगड़ा करके आया तू? अरे तेरी उम्र में सब ऐसा ही करते हैं, तू बता तो सही। ऐसा हुआ कि मेरा फ्रेंड है ना, उसकी और पापा के फ्रेंड की बेटी की मैंने भगाकर शादी करा दी। अरे ये क्या, उसकी बेटी को भगा के इससे शादी करवा दी, इसकी बेटी को भगा के उससे करवा दी? मेरी बात सुन, तू मेरी बेटी को भगा कर ले जा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन अगर ये बात पापा के कान तक पहुँची ना कि ऐसा आपने बोला और मैंने सुना है, तो हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। इतना प्यार करते हैं पापा उससे। मेरी तो उतर गई, मुझे दो पैग और मारने पड़ेंगे, तू भी मार। मुझे तो छोड़ी ही नहीं। दारू बहुत पी ली है, बाकर खाना खा लीजिए। बस आ रहे हम लोग। ये है हमारा ग्रेट कॉलेज, दिखने में ठीक है लेकिन इसका चरित्र बड़ा महान है। जिस तरह कॉलेज के बाहर पानी पूरी का ठेला लगाना आसान है, उसी तरह मुझे यहाँ एडमिशन मिला है। क्या है, लगता है कुछ पूछने आई हो, अब चुप क्यों खड़ी हो? कुछ पता है अंकल जी कितने दुखी हैं? सुना है सबके सामने उन्होंने माफी मांगी। तेरे तो अंकल हैं, मेरे तो पापा हैं, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? एक लड़की के बाप के साथ तूने जो कुछ भी किया गलत था, उसके पापा को कितना दुख हुआ होगा, कोई अंदाजा है तुझे? तेरी तकलीफ क्या है, मेरे पापा को तकलीफ हुई ये या उसके पापा को तकलीफ हुई? दोनों को। लड़की चली गई इसलिए उसके पापा को, और तू अपने पापा की बात नहीं मानता है इसलिए तेरे पापा को। छोड़ ना, तू मेरे पापा की फिक्र क्यों करती है? और रही बात उसके पापा की, तो सब बाप ऐसे ही होते हैं। पार्वती जी ने शिव जी से प्यार किया था, उनके पिताजी भी नहीं माने थे। अगर उस दिन पार्वती जी अपने पिता की बात मानकर रुक जाती तो आज हमें इतने सुंदर जोड़ी के दर्शन होते? तुझसे बात करना मतलब अपना सिर फोड़ना है। तूने पूछा इसलिए बताया, अगर ऐसी सिचुएशन तेरे साथ आई ना तो तू भी खुशी से भाग जाना। पूरी बात सुनते जा, जो हमारे दिल के करीब होता है ना वो साथ रहे तभी हम खुश रहते हैं। मैंने तो उनकी हेल्प की है। भाई पुराणों में तेरा इतना इंटरेस्ट है, बहुत सही जवाब दिया यार। इंटरेस्ट नहीं है, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो महादेव का सीरियल देख लिया, उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, पूरा का पूरा एपिसोड इसको चिपका दिया। इसको और मेरे पापा को ऐसे ही समझाना पड़ता है। भाई क्या है, एक काम कर, ये डबिंग सीरियल देखना बंद कर दे। फालतू बात मत कर, चल क्लास चलते हैं। चल बे, आ गया होगा वो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के क्लास में इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को ये बता सकूं। क्या बात है, आज तुम लोग इस क्लास में कैसे, अपनी क्लास भूल गए हो क्या, कहीं भी घुस जाते हो मुंह उठा के? सर ये कंबाइंड क्लास है। ओ, कंबाइंड क्लास है क्या, ठीक है आओ आओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया करो। हाँ लाओ। स्टूडेंट्स, तुम में से होम साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? ओके ओके, अगले 4 महीनों में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 2 महीनों के बाद तुम्हें एक रिमोट एरिया में जाना होगा जहाँ गर्ल्स एजुकेशन पे एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ओके ऑल द बेस्ट। और सुनो तुम चारों लोग, बिना नागा कॉलेज आना, अगर अटेंडेंस कम हुए ना तो तुम्हारे माँ बाप से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाऊंगा। बेवकूफ कहीं के, ये हम लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। इसे इसकी औकात दिखानी होगी, अभी ऐसा नाटक करूंगा कि हम सब उसके सामने बाहर चले जाएंगे। अच्छा करके दिखा दे, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। अम्मी, टैलेंट दिखाने को बोला तो मुंह क्यों बना रहा है? जब भी कोई फालतू काम करने जाता हूँ यही करता हूँ, डिस्टर्ब मत कर। अरे देखो इसे क्या हो गया, अरे बाप रे, उठो उठो, इसे इसे लेके चलो यहाँ से। अरे भाई चलो चलो, रास्ता दो, आजा आजा। सर पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया, तो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे चलो चलो। अरे 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 क्या हुआ इसे? सर अचानक से गिर पड़ा, पता नहीं क्या हुआ। लेके जाओ इसे पहले। हाँ सर, ऑटो में डाल के ले जाते हैं। ऑटो में कैसे लेके जाओगे? अरे चलो जल्दी, इसकी क्या जरूरत है सर, हमारे पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं है सर। अरे पैसे मैं देता हूँ ना, बस इतना ध्यान रखना कि इसे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा। हाँ सर, सब मेरी हुआ तो पुलिस वाले मुझे काम चला देंगे। मुंह बंद रख, चलो चलो।
हेलो गाड़ी पे चल चल अरे अरे गाड़ी गाड़ी जा रहे हो आप लोग डॉक्टर हो या कसाई हो लाते ही चीर फाड़ करने लगे कितने कमर्शियल हो गए यार आप लोग क्या हुआ तुझे अरे फंस गया था यार ये तो मेरा ऑपरेशन ही कर रहे थे तुझे बोलना चाहिए था ना कि एक्टिंग कर रहा है कैसे बोल देता एक्टिंग कर रहा था कहीं गुस्से में ऑपरेशन कर देता तो चल चल निकलते हैं यहां से सर सर आपका 10,000 का बिल बना है अच्छा बिल इसकी तो ऐसी आपने